गाइज आप ये देख रहे हो BYD की एटो 3। अगर आप BYD की कोई भी गाड़ियां परचेज करना चाहते हैं लाइक इनकी E6 या फिर एटो 3 परचेज करना चाहते हैं तो जो इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहां से टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और गाड़ियां भी जो है परचेज कर सकते हैं। जो आप ये BYD कंपनी देख रहे हो, इंडिया में 2016 में इन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पैर रखा था। सबसे पहले इन्होंने इंडिया में बैटरी सेल की थी, फिर 2021 में इन्होंने लॉन्च की E6 और फिर अब 2022 में इन्होंने लॉन्च की है ये एटो 3, जो कि आपकी कम्पीट करेगी MG की ZS EV से और इनकी जो हुंडई की कोने आती है उससे ये सीधा कम्पीट करेगी। फिलहाल में कंपनी ने जो इसके प्राइस है अभी लॉन्च नहीं किए हैं। जो ये BYD कंपनी है ये एक चाइनीज ऑटोमोबाइल मेकर है और जो ये गाड़ी है इसकी सिर्फ इंडिया में असेंबली होती है, चेन्नई में इस गाड़ी का प्लांट है, बाहर से ही जो है इस गाड़ी के सारे पार्ट्स लेके आए जाते हैं। बट फ्यूचर में हो सकता है कि इस गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो। एटो 3 को परचेज करना चाहते हैं ना तो ये आपको व्हाइट में, ग्रे में, रेड में और ब्लू कलर इनके साथ में मिल जाएगी। ये आपको 60.48 किलोवाट आवर और एक 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में मिल जाएगी। ये आप पर्टिकुलर देख रहे हो इसके 60.48 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला, इसके अंदर जो इसकी की मिलेगी ना कुछ इस तरह की मिलेगी, लॉक अनलॉक और इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए और गाड़ी को जो है स्टार्ट करने के लिए। जो इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट मिलती है LED में मिलती है, इसकी हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही LED प्रोजेक्टर में काम करते हैं। LED में ही इसके DRLs और इंडिकेटर दे रखे, ड्यूअल फंक्शन वाले, देखने में बहुत बढ़िया से है, क्रिस्प क्लियर सी गाड़ी आपको लगेगी देखने में, कोई फॉग लाइट नहीं मिलती है। आगे की तरफ में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एज वेल एज कैमरा भी जो है गाड़ी के साथ में मिल जाता है। आगे यहाँ पे BYD की ब्रांडिंग दे रखी है, कोई रेडिएटर ग्रिल वगैरह नहीं मिलेगी क्योंकि यार मोटर लगी हुई इसके अंदर, कोई इतनी कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक उसमें रेडिएटर वगैरह तो फिट होता है नहीं। इस गाड़ी के अंदर मिलता है 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। जैसे आप इस गाड़ी को MG ZS EV से कंपेयर करोगे तो 132 mm ज़्यादा लॉन्गर है कंपेयर टू ZS EV, और इसको आप कोने से कंपेयर करोगे तो 275 mm लॉन्गर है उस गाड़ी से। और जो इस गाड़ी की लुक है ना भाई, देखने में काफ़ी बेहतरीन सी लगेगी, किसी भी एंगल से देख लो एक नंबर की आप लोगों की गाड़ी लगने वाली है। जैसे ऐसी नहीं रहती कि फ्यूचर की सी गाड़ी है, उस तरह की आपको ये लगने वाली है। इसका चार्जिंग के लिए जो दे रखा है वो आपको यहाँ पे मिलता है, ये तो आपका नॉर्मल चार्ज हो गया जो कि आपका टाइम लगेगा 9.5 से 10 घंटे, और नीचे वाले में लगेगा आपका DC, मतलब दोनों में कनेक्ट हो जाता है, लाइक DC का जो फास्ट चार्जर आता है वो, और उसके अंदर जो टाइमिंग लगती है 0 to 80% होने के लिए उसको लगती है 50 मिनट्स। इसको यहाँ से अगर बंद कर देते हैं, और अंदर से ना इसमें कहीं भी लिड नहीं दे रखा है इसको ओपन करने के लिए। ORVM जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल हैं, और ना आपको इसमें ब्लाइंड सपोर्ट का भी जो है मिल जाता है, LED में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और जैसे आप इस गाड़ी के डोर हैंडल्स देखोगे ये बॉडी कलर्ड ही आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी में ड्राइवर साइड ही मिलते हैं। गाड़ी को लॉक करने पर कोई आवाज़ नहीं करेगी, बट जो ORVMs हैं फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करने पर जो ORVMs है इसके ऑटो ओपन हो जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा भी गाड़ी में मिल जाता है, दोनों ORVM के नीचे भी जो है कैमरा मिल जाता है। विंडो के नीचे क्रोम लाइन का यूज है, ग्लासेस इसके टिंटेड वाले नहीं मिलते हैं। इसके जैसे ये चीज देखोगे ना, यहाँ पे तो प्लास्टिक है, बाकी जो इसके अलॉय व्हील्स हैं ये आपको डायमंड कट वाले मिलते हैं। फ्रंट तो इसके अंदर वेंटिलेटेड डिस्क आते हैं, पीछे वाले सॉलिड डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिल जाते हैं। और जो टायर सेक्शन इसके अंदर मिलता है 215/55/18 इंच का मिलता है। जैसे आप इसके टायर के ब्रांड देखोगे ना MRF, ये अपने इंडिया में तो चलते हैं, बट इसके अंदर कुछ अलग ही टायर ब्रांड दे रखा है एटलस का। अभी इस साइड में देखोगे यहाँ पे जो इसके देख रखा है ये एडास का फंक्शन के लिए, जो इसमें आगे की तरफ में कैमरा दे रखा है। पैनारोमिक सनरूफ भी जो है गाड़ी मिल जाती है, रूफ रेल्स इसकी भाई प्लास्टिक में ही मिलती है, शार्क फिन का एंटीना गाड़ी मिल जाता है। ये पर्टिकुलर पैटर्न भाई काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, LED टेल लैंप्स जो है गाड़ी मिल जाती है, सिक्वेंशियल इंडिकेटर गाड़ी में आप लोग को देखने को मिलेंगे। BYD फुल फॉर्म बिल्ड योर ड्रीम, एटो 3 की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है, EV की बैजिंग दे रखी है। अगर इंडिया में देखोगे ना तो टाटा में अपनी आ जाती है, टिगोर आ जाती है, टियागो आ जाती है, नेक्सोन आ जाती है, इससे कम्पीट नहीं करती है, EV की बता रहा हूँ सिर्फ। फिर अपनी हुंडई में कोने आ जाती है, किया में EV6 आ जाती है जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। इसका प्राइस अगर मान लो 20 से 30 लाख रुपए के बीच में आता है तो भाई काफ़ी अच्छा सा प्रोडक्ट आप लोग के लिए रहने वाला है। जो इसकी टेलगेट है इलेक्ट्रिक वाली मिलती है, देखो खुल जाए यार, ये देखो 440 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस मिलता है। जो इसकी सेकंड रो की सीट है 60-40 मिलती है। इस साइड में LED में बूट लैंप भी दिया गया है, बट ना इसके अंदर कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, सिर्फ आपको टायर पंचर की मोबिलिटी किट ही इसके अंदर में मिलती है। अब इसके सेकंड रो के डो जो इसके सीट्स हैं वो डाउन करूँ मैं, ये देखो
वो यार बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाती है ये तो। यार ये चीज़ गाड़ी में काफ़ी बढ़िया से दे रखी है, तो जैसे आप थोड़ा सा बड़ा भी सामान इस गाड़ी में लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से इसमें ले जा सकते हैं। अभी गाड़ी को इसकी टेलगेट को कर देते हैं बंद, पीछे ना आपको कैमरा मिल जाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे दिया हुआ है, पार्किंग सेंसर्स भी जो है गाड़ी में मिल जाएंगे, डिफोगर वाइपर मिल जाता है, स्पॉइलर भी दिया हुआ है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी गाड़ी में मिल जाता है। इंटीरियर्स में आपको बताऊं जो डोर के अंदर हैवीनेस है ना भाई वो अच्छी सी दे रखी है, और फिट एंड फिनिश तो भाई लाजवाब इसके अंदर मिल जाती है। डोर के अंदर हैवीनेस तो भाई आप जैसे फील करोगे ना तो सही में बहुत तगड़ी सी लगेगी। और ये चीज़ देखो क्या लाजवाब से इसके अंदर डिज़ाइन मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट दे रखा है, यहाँ पे भी सॉफ्ट है, यहाँ पे भी सॉफ्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इस गाड़ी क्या कर रखे हैं सॉफ्ट टच में ही दे रखे हैं। यहाँ पे भाई स्ट्रिंग टाइप के दे रखा है अपना सामान प्रॉपरली होल्ड हो जाए। 8 स्पीकर का इसके अंदर अरेंजमेंट आता है, और जैसे आप इसके डोर हैंडल देखोगे ना गाड़ी के मतलब डोर को खोलने के लिए तो वो कुछ इस तरह के आपको मिलते हैं। चारों पावर विंडो के स्विचेज हैं, ORVM कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसके अंदर सीट्स आती हैं, ड्राइवर साइड सीट के साथ साथ में जो इसकी पैसेंजर साइड सीट है वो भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। और जैसे इसके सीट्स देखोगे ना भाई ये आपको पूरी स्पोर्टी डिजाइन मिलती है, और जो कम्फर्ट है ना वो भाई सीट का काफ़ी ज़बरदस्त सा इसके अंदर में मिल जाता है। अब इंटीरियर्स में बात करते हैं भाई, और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो काफ़ी सारे बटन्स जो हैं इस गाड़ी में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके इंटीरियर जैसे देखोगे ना भाई काफ़ी बढ़िया से दे रखा है, ऊपर भी सॉफ्ट है, यहाँ पे भी सॉफ्ट है, यहाँ पे जो है आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, और ये ना सॉफ्ट टच भी काफ़ी बढ़िया से दे रखे है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ा ऐसा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, काफ़ी बढ़िया से दे रखा है। जो इसके आप ये टच स्क्रीन डिस्प्ले देख रहे हो ना इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, देखो ये बटन मैंने प्रेस किया और ये इस तरीके से जो आपकी रोटेट हो जाएगी। तो ये भाई काफ़ी तगड़ी सी इसके अंदर टेक्नोलॉजी आ गई चाइनीज चीज़ों में, तो आपको पता ही है काफ़ी तगड़ा सा, तो और काफ़ी मस्त सी जो है ये स्क्रीन काम करती है। 12.8 इंच की इसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले आते हैं, और एयरवेंट देखो डंबल स्टाइल के इसके अंदर एयरवेंट आते हैं जिनको आप प्लस माइनस जो है यहाँ से कर सकते हैं, मतलब बंद और चालू यहाँ से कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग दे रखे हैं, गेयर नॉब देखने में काफ़ी तगड़ा सा जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है, और जिसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ से पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा, और फिर इस तरीके से जो है इसको शिफ्ट कर सकते हो, और ये पी दबा के जो आपकी गाड़ी वो ये होल्ड हो जाएगी। हैजार्ड लाइट का जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है ये इसके पार्किंग सेंसर के लिए दे रखा है, ये इसके मतलब जो ब्लाइंड स्पॉट है ना उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए दे रखा है, ऑटो होल्ड का दे रखा है, और ये आपका रीजन का बटन दे रखा है इसके अंदर, देखो मैं ऐसे करूँगा ना हाई दे रखा है, और एक और आगे नीचे की तरफ करूँगा ये स्टैंडर्ड, ये दो इसमें मिल जाएंगे, और ये यहाँ से आप इसके मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो इसके अंदर मिल जाएगा स्नो मोड और एक इसके अंदर नॉर्मल मोड आ जाएगा, फिर आपके यहाँ से भी जो आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं इको स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल मोड जो यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपका फ्रंट हवा के लिए दे रखा है, ये आपका हवा को मंदी तेज करने के लिए, ये आपका जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है उस चीज़ के लिए दे रखा है, और ये दे रखा है बेसिकली इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ दो ग्लास होल्डर दे रखे हैं, क्वालिटी भाई गाड़ी में काफ़ी बढ़िया दे रखी है, अच्छा डीप साइज के अंदर जो है आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, एक नंबर का मिलता है। कम्फर्ट तो भाई सीटों का बहुत बढ़िया मिलता है, और हॉर्न सुनो गाड़ी का एक नंबर का दिया गया है, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये तो इसकी स्क्रीन का तो मैंने अभी दिखाया था, स्क्रीन को मैं रोटेट कर सकता हूँ, और ये इसका आपको ब्लाइंड स्पॉट का हो गया, क्रूज कंट्रोल का मिल जाता है, और ये इसके लेन चेंज का दे रखा है, और ये डिस्टेंस का जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये बेसिकली दे रहे हैं इसके सारे म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल दे रखे हैं। और जैसे आप इसकी MID देखोगे ना ये ना स्टेयरिंग के साथ ही चिपकी हुई है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो MID भी आपकी पूरी ऊपर नीचे होती है, तो यूँ है प्रॉपर एक बीच में से पूरा दिखता रहता है, ऐसे नहीं कि भाई जैसे MID मान लो यहाँ रहती है तो नीचे कर देते हैं फिर वो दिखती नहीं है, तो ये चीज़ भाई इसके अंदर बढ़िया दे रखी है। और जैसे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना जो यहाँ पे दे रखी है भाई टच स्क्रीन नहीं मिलती है, इसको ना आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये प्रेस करोगे और फिर जो है इसके स्क्रॉल में करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर में शो कर देता है, और एज वेल एज ये ना इसके वॉल्यूम अप डाउन के लिए भी जो है काम करता है। ऑटो हेडलैम्प्स भी गाड़ी मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर मिल जाते हैं, और डोर हैंडल्स मैंने आपको दिखाए थे कुछ इस तरीके के मिलते हैं। और एक चीज देखोगे ना इस गाड़ी के अंदर ऊपर तो आपको लगेगा कहीं भी USB सॉकेट नहीं दे रखे, बट जैसे नीचे की तरफ में देखोगे ना तो यहाँ पे छुपी हुई है चीजें, ये आपका कार्ड के लिए दे रखा है, और जैसे देखोगे सी टाइप के लिए सॉकेट दे रखा है, ये आपका USB, और यहाँ पे दे रखा है इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे जो आपको जगह ऐसी मिल जाती है अपना सामान वगैरह प्लेस करने के लिए। सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँ एक बार भाई, ये मेरी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन है, सीट भाई इसकी ना काफ़ी कंफर्टेबल सी दे रखी है, बैठोगे ना एक नंबर का मजा ऐसा इसके अंदर में आएगा, साइड विंडो से ORVM से काफ़ी बढ़िया सा व्यू इसके अंदर में आ जाता है। और जैसे आप इस गाड़ी के अंदर कैमरे की क्वालिटी देखोगे ना भाई, ये देखो मैं रिवर्स गियर डालता हूँ, बहुत बढ़िया सी कैमरे क्वालिटी मिल जाती है जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में आती है। अभी पीछे बताऊँ इसके अंदर कैसा कंफर्ट मिलता है, और इस साइड मैंने एक चीज़ बताने भूल गया, ये इसके जो है टेल गेट को ओपन करने के लिए स्विच जो है दे रखा है, ये देखो ऑल बिल्कुल ना फ्लैट सी सीट इसके अंदर में मिलती है, और बंद करते हैं तो भाई साहब
ये चीज मस्त दे रखी है, नी रूम लेग रूम बढ़िया है, अंडर थाई स्पोर्ट भी गाड़ी के अंदर काफी अच्छे दे रखा है, रेकलाइनिंग एंगल भी अच्छा है, 3 इंच के अंदर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, आर्म रेस्ट मिल जाते हैं 2 ग्लास होल्डर के साथ में, पीछे भी जो है एयर के वेंट मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए सॉकेट भी दे रखे हैं, एक तो आपका USB हो गया, सी टाइप हो गया, फोन प्लेस करने के लिए जगह भी इसके अंदर दे रखे हैं, बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिलता है, 3 जने भाई गाड़ी के अंदर जो है आराम से बैठ सकते हैं। देखो एम्बिएंट लाइट ना इसके अंदर चेंज होने लग रही है, ये भाई एक नंबर का सा है, पीछे भी जो आपको स्ट्रिंग से जो है मिल जाते हैं। सीट बेल्ट्स की आपको बताऊं तो इसके अंदर ना 3 ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है मिलती है, अगर सीट को रेक्लाइन एंगल देखते हैं उतना नहीं होता है, नहीं यार सीट का रेक्लाइन एंगल जो है आप इसके अंदर में एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इस गाड़ी में जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना तो सारे लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं, आप लाइट सोचो कि भाई इसकी ग्लो कैसे होगी, तो ये इस तरीके से जो है इसकी लाइट ग्लो हो जाती है, ये इसके सनरूफ के जो कंट्रोल दे रखे हैं, इलेक्ट्रोक्रोमिक इसके अंदर में आईआर भी हम दे रखे हैं, पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको ऊपर की तरफ में लैंप भी दे रखे हैं, एज वेल एज मिरर भी जो है इसके अंदर मिल जाता है, और ड्राइवर साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी लैंप और मिरर दोनों चीजें जो है मिल जाती है, पीछे भी जैसे देखोगे तो जो इसकी रीडिंग लैंप्स दे रखी है ना ये भी भाई आपको पूरे टच वाले सिस्टम में मिलती है। जो कंपनी इस गाड़ी की रेंज क्लेम करती है ARAI के अकॉर्डिंग वो 521 किलोमीटर की करती है, तो रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया, और जो टेस्टेड की गई वो 480 किलोमीटर की इसके अंदर में की गई है। जो ये गाड़ी है ना ये 150 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है और 310 Nm का टॉर्क जो इसकी मोटर है ये प्रोड्यूस करती है, और जैसे आप इसकी मोटर देखोगे वो आपको यहाँ पे प्लेस मिलेगी, मतलब ऊपर से नीचे तक में थोड़ा गैप दे रखा है, इंसुलेशन भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, जैसे आप इसका हुड खोलना चाहते हो ना तो आपको क्या है वो 2 बार जो है पुल करना पड़ता है अपनी तरफ में, फिर जो है इसका हुड यहाँ से ओपन होता है। तो गाइस यही सब कुछ था इस BYD Atto 3 के बारे में, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।